तो हेलो गाइस, अगर आपका गूगल एडसेंस का पेमेंट पेंडिंग दिखा रहा है तो आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर करूंगा कि अगर आपका पेमेंट पेंडिंग है तो वो कब तक जो है आपके बैंक अकाउंट के लिए ट्रांसफर किया जाएगा, कब तक आपका पेंडिंग हटेगा और कैसे आप खुद से इसे सॉल्व कर सकते हो। तो बस यार वीडियो कंप्लीट वॉच कर लेना है। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर हैं तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, जिससे आप हमारी ऐसी वीडियो से मिस ना पाओ। गाइस मेरा नाम है शुभ और आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपका ये फर्स्ट पेमेंट है तो गाइस सबसे पहले तो आपका अगर ये फर्स्ट पेमेंट है उसके लिए बहुत बहुत यार बधाई, ठीक है। बहुत अच्छे से वर्क करो और भी यूट्यूब पे वीडियोस बनाओ, बहुत ज्यादा अर्निंग करो। यहाँ से वीडियो बस आप कंप्लीट वॉच कर लेना, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो गाइस यहाँ पर प्रॉब्लम्स ये आते हैं कि आपको पता होगा अपने देश में कितनी ज्यादा जनता है और बहुत से ऐसे लोग हैं जो गूगल एडसेंस के थ्रू जो है अर्निंग करते हैं, कुछ YouTube के द्वारा अर्निंग करते हैं, कुछ अलग से Google AdSense से अर्निंग करते हैं। और Google AdSense सारे बंदों का जितने भी अर्निंग करते हैं Google AdSense के द्वारा 21 को सारे बंदों का एक साथ पेमेंट कर देता है, जिससे कुछ लोगों का पेमेंट सक्सेसफुल हो जाता है और कुछ लोगों का पेमेंट जो है अटक जाता है, यानी कि पेंडिंग हो जाता है, ठीक है। अब यार बोलोगे ये पेंडिंग हटेगा कब? गाइस यार मेरा पहला पेमेंट जो आया था वो भी पेंडिंग हो गया था, आप साइड में देख सकते हो, ठीक है। काफी टाइम तक ये पेंडिंग रहा, मतलब 1 से 2 घंटे तक केवल पेंडिंग रहा था, ज्यादा टाइम भी नहीं लगा था। उसके बाद ये ऑटोमेटिक मतलब अपने आप सही हो गया था, मेरे बैंक अकाउंट के लिए ट्रांसफर कर दिया गया था। उसके बाद मुझे ईमेल भी आ गया था कुछ इस टाइप से, ठीक है। बहुत ही गजब की फीलिंग आई थी। ईमेल आने के बाद गाइस आपका जो पेमेंट है वो सक्सेसफुली हो जाएगा। तो गाइस ये बात हो गई कि गूगल एडसेंस का पेंडिंग प्रॉब्लम सोल्यूशन क्या है, ठीक है। बस यार आपको थोड़ा वेट कर लेना है 1 से 2 घंटे, अगर फिर भी नहीं होता तो 1 दिन वेट कर लो, 1 दिन में हो जाएगा, 24 घंटे के अंदर आपका सक्सेसफुली पेमेंट आपके बैंक अकाउंट के लिए ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपका ये फर्स्ट पेमेंट है तो आपको आपके बैंक अकाउंट में कब तक मिलेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर आपने एक सरकारी बैंक दे रखा है, मतलब सरकारी बैंक ऐड कर रखा है अपने गूगल एडसेंस के अंदर, तो आपको 15 से 20 दिन का टाइम लग सकता है। और अगर आपने एक्सिस बैंक, HDFC, ICICI बैंक और इनमें से कोई बैंक दे रखा है तो आपको 1 वीक या 10 दिन के अंदर आपको सारा पेमेंट जो है आपके बैंक अकाउंट में मिल जाएगा, ठीक है। मैं अपनी बात करूं, मेरा जो फर्स्ट पेमेंट था 21 को रिलीज किया गया था और 3 मार्च को मेरे बैंक अकाउंट में आ गया था, लगभग टाइम लगा था 12 दिन के आसपास, ठीक है। तो गाइस यही था सोल्यूशन YouTube के फर्स्ट पेमेंट पेंडिंग से निकलकर आपके बैंक अकाउंट में रिसीव होने तक। होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज यार लाइक टारगेट कंप्लीट कर देना, चैनल पर नए तो प्लीज यार सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना। गाइस मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।